नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और आप देख रहे हैं 5G Anthony। दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल को देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है कस्टमाइज्ड मास्क के ऊपर। ये जो मेरा कस्टमाइज्ड मास्क है आप देख सकते हैं, ये मैंने कैसे बनवाया है, कैसे ऑर्डर किया था, और अभी लिखा हुआ फ्रंट कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ इसलिए उल्टा दिख रहा है, नहीं तो ये सीधा है। मेरे यूट्यूब चैनल का 5G Anthony लिखा हुआ और यूट्यूब का लोगो लगा हुआ मास्क है, और ये एक ही साइड प्रिंट हो सकता है। आप चाहिएगा कि बीच में प्रिंट होगा या साइड में, दोनों साइड तो नहीं होगा, ये एक ही साइड प्रिंट होगा। यहाँ पे आप कोई भी लोगो या फोटो सेट कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी आपको लिखवाना है आप लिखवा सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे कस्टमाइज्ड मास्क बनवाया, मुझे कितना पे करना पड़ा, और मैं आप कम लीजिएगा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, या ज्यादा लीजिएगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसे में बहुत से लोग मास्क यूज कर रहे हैं, तो मार्केट में मास्क खरीद रहे हैं। तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है या आपका कुछ भी है, कोई दुकान है, कोई शॉप है या कुछ भी है, तो आप उसके नाम से आप अपना एक कस्टमाइज मास्क बनवा सकते हैं ऑर्डर करा के, चाहे उसको आप किसी को बांटने के लिए, चाहे खुद के यूज के लिए। ऐसे में क्या होगा कि वो आपका मास्क का मास्क भी हो जाएगा और साथ में आपके जो चैनल है या जो शॉप है उसका एडवर्टाइज भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं कि कैसे हम ऑर्डर किए, इस मास्क को कैसे बनवाए और कितना पैसा लगा। तो सबसे पहले हम अपने फोन के स्क्रीन में चले जाते हैं। आपको सिंपली से गूगल में लिखना है vistaprint.in और इसको सर्च कर देना है। जैसे इसको सर्च कीजिएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, कंटिन्यू शॉपिंग पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको सिंपली से क्या करना है, आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट कैसे करेंगे, ऊपर 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करके नीचे डेस्कटॉप साइट हमको ऑन कर लेना है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। जूम करने के बाद राइट साइड ऊपर में जाइएगा, देखिएगा फेस मास्क कोविड रिलेटेड लिखा हुआ है, फेस मास्क कोविड रिलेटेड, इसमें सिंपली से आपको क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है फेस मास्क, देखिए यहीं पे इसको जूम कर लिए, उसका नीचे सेकेंड नंबर पे लिखा पर्सनलाइज्ड फेस मास्क ब्लैक, इस पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ओपन हो रहा है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमारा मास्क है, इसी पे आपको प्रिंट होगा, ब्लैक कलर का मास्क है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज़ दिया गया है, डिटेल दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर दीजिएगा आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, अभी लोडिंग ले रहा है स्क्रीन। आप मैक्सिमम 250 इसमें ऑर्डर कर सकते हैं एक बार में, यहाँ पे 250 का लिमिट दिया हुआ रहता है, 250 आप ऑर्डर कर दीजिएगा। देखिए ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो मास्क में हमारा बना हुआ आ रहा है यहीं पे आप लिख सकते हैं। ऊपर ऐड इमेज है, वहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपको इमेज ऐड करना है तो आप सबसे पहले ऐड इमेज में क्लिक करके इमेज आप अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज, कोई भी इमेज आपके पास, अगर आपका कोई चैनल है, कोई शॉप है उसका लोगो है तो आप उस लोगो को बना करके फ़ोन पे, अगर लोगो नहीं है कोई इमेज है आप उस इमेज को देना चाहते हैं, उस इमेज को आप सिंपली से अपने फ़ोन में सेव करके रखिएगा। मैं कोई भी इमेज आपको लगा के अभी दिखाता हूँ, आप उस हिसाब से आपको जो भी इमेज लगाना है आप लगा लीजिए। मैं कोई भी इमेज अभी रेंडमली ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा इमेज लें, देखिए एक इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि उसके बाद हमको क्या करना है। जैसे इमेज सेलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सबसे पहले इमेज सेलेक्ट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ सेलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऐड इमेज कर दिए हैं तो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे देखिए इमेज आ गया मेरा। इसको हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो हमारा मास्क है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी साइड हम ऐड कर सकते हैं इमेज को, टेक्स्ट को। पहले इमेज ऐड कर लिए, उसके बाद हम टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करने के लिए ऐड टेक्स्ट कर दीजिए, ऐड टेक्स्ट जैसे कीजिएगा लिखने का आ जाएगा, हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हम लिख देते हैं BGMI लिख के इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए अब इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, और जहाँ पे हमको सेट करना है वहाँ पे सेट कर सकते हैं। BGMI को यहाँ लिख के सेट कर दिए, जैसे ये सेट हो गया इसको हम क्या करेंगे सिंपली से यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, या प्रीव्यू से हम देख सकते हैं, हम डायरेक्ट कंटिन्यू कर देंगे वहाँ से हम देख भी लेंगे। कंटिन्यू जैसे करेंगे हमारे सामने इंटरफेस कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा,
देखिए रेडी टू चेकआउट, देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया। ये हमारा मास्क का लुक दिखेगा जो हम फाइनल रेडी किए हुए हैं, वो लुक रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आई हैव रिव्यूड में क्लिक करके ऐड टू बास्केट कर देना है। जैसे ही ऐड टू बास्केट कीजिएगा, यहाँ से आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मिनिमम दो आपको लेना ही पड़ेगा। एक लेते हैं तो 71.43 रुपीज़ लगेगा, दो का उस हिसाब से 142 रुपया कुछ लगेगा। और जैसे ही आप इसको क्वांटिटी को बढ़ाइएगा, कम कीजिएगा, वैसे आपका पैसा कम ज़्यादा लगेगा। हम क्वांटिटी को आपको बढ़ा के दिखाते हैं। जैसे ही देखिए, जैसे ही हम 9-10 क्वांटिटी करते हैं, 57-52 ऐसे आ रहा है। मतलब जितना हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे मास्क, उतना कम हमको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब हमको सिंपली से इसको 100 करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कितना रुपया पड़ेगा। एक का तो हमको 71 रुपीज़ पड़ रहा था, लेकिन जब 100 करेंगे हमको कितना रुपीज़ पड़ेगा। देखिए जब 100 कर देते हैं तो हमको 33 रुपीज़ पड़ता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उतना आपको कम पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐड टू बास्केट में क्लिक कर देना है। यहाँ ऐड टू बास्केट में आप जैसे क्लिक कर दीजिएगा, आपको अब बिलिंग का ऑप्शन आएगा और पे करने का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे समरी आ गया, साइन इन टू चेकआउट। यहाँ पे हम साइन इन टू चेकआउट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा विस्टा प्रिंट का लॉगिन आईडी है, वो लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं किए हुए तो, साइन इन नहीं किए हुए तो अकाउंट पहले से बना के रखिए। हम बना के रखे हुए तो हमको सिंपली से अब इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। ये कंफर्मेशन के लिए आप अपना विस्टा प्रिंट में अकाउंट बना लिए हैं, उसके बाद भी साइन इन किए हैं, उसके बाद भी ये कंफर्मेशन के लिए आपको मांगेगा ही मांगेगा। साइन इन हम इसको जैसे ही कर लेंगे, उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी लोडिंग ले रहा। यहाँ पे देखिए शिपिंग एड्रेस दिया हुआ है। शिपिंग एड्रेस में जैसे क्लिक कीजिएगा, आप एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जो एड्रेस देना आप दे सकते हैं, हमने एड्रेस दे रखा है, आपको जो भी एड्रेस देना है आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आ रहा है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये सबको आपको फुलफिल कर देना है। बिलिंग में जैसे ही ये सबको आप फुलफिल कर दीजिएगा, उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है सिंपली से। उसके बाद आपका जो ये विस्टा प्रिंट से है, ये ऑर्डर आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका, मेरा तो 10 दिन में आ गया था। अगर आपका भी अगर अच्छे एरिया में घर है तो आपको कम, मार्केट वाला एरिया में घर है तो आपका कम दिन में आएगा, और अगर रूरल एरिया में है, विलेज में है, तो आपका थोड़ा सा 10-12 दिन टाइम लगेगा। ये द प्रोसेस। इसके थ्रू से आप अपना कस्टमाइज मास्क बनवा सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है या जो भी चीज है, उसके लिए आप अपना कस्टमाइज मास्क बनवा सकते हैं। और एक का ज्यादा प्राइस पड़ेगा, जितना ज्यादा मात्रा में आप लीजिएगा उतना कम प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल या अपना शॉप है या अपना कुछ अकेडमी है, उसके लिए कस्टमाइज मास्क कैसे बनवा सकते हैं, कैसे बनाइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।